In this question, we want to solve this equation x square plus 3x plus 2 ka whole square minus 8 times of x square plus 3x minus 4 is equal to 0. तो अगर हम देखेंगे एक quadratic power 4 में equation होगी, because x square ka whole square is x की power 4. But, मैं इसे क्या करता हूँ, pseudo quadratic में convert कर सकता हूँ. कैसे? See, मुझे यहाँ पे दिख रहा है x square plus 3x और मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है x square plus 3x. इन दोनों ही जगह मैं value को t put कर सकता हूँ. Okay? तो दोनों को मैं t put कर दूंगा. Now, अब ये क्या हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगा t plus 2 का होल स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स ऑफ t माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो सी देखा, हमारे एक x स्क्वायर प्लस 3x को t पुट करने से ये इस इक्वेशन को सॉल्व करना कितना इजी टास्क हो गया. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, नॉट पावर 4 इक्वेशन. तो जैसे हम इसे देखेंगे तो ओपन कर लेते हैं, तो जगह t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 माइनस 8t माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो प्लस 4 और माइनस 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4t माइनस 8t क्या होता है, माइनस 4t हो जाएगा. तो वैल्यू हो जाएगी t स्क्वायर माइनस 4t इज इक्वल टू 0. तो अगर यहां से मैं t कॉमन ले लूंगा तो वैल्यू क्या जाएगी t की, तो t इंटू t माइनस 4 इज इक्वल टू 0. और अब यहां से हमारे पास में t की दो वैल्यूज आ गई. अब t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 4. अब t किसके इक्वल है, लेकिन t इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 3x के. तो यहां से लेकर x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 4. यहां से इक्वेशन आएगी x इंटू x प्लस 3 is equal to 0, और अगर x square plus 3x minus 4 is equal to 0. अब पहले left hand side में अगर हम देखेंगे तो यहां से हमारे पास में x की दो values आएंगी. एक तो क्या होगा, when x is equal to 0, और second is when x plus 3 is equal to 0. तो ऐसे का x is equal to 0 और x plus 3 is equal to 0. इधर से हमारे roots क्या आएंगे, x minus, सॉरी यहां से आएगा हमारे पास में x plus 4 into x minus 1 is equal to 0. तो अब इन दोनों में से भी क्या हो सकता है, either x plus 4 is equal to 0 और x minus 1 is equal to 0. तो वैल्यू क्या आ गई यहां से, x is equal to 0 और minus 3. यहां से क्या जगह, x is equal to minus 4 और 1. तो हमारे पास में जो x की possible values आई वो क्या क्या आई, see माइनस 3 माइनस 4, तो आएगा माइनस 4 माइनस 3 0 एंड 1. ये हमारी क्या गई, x की पॉसिबल वैल्यूज आ गई. तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.